भाई एकदम ऐसा लग रहा है महल के अंदर से जो है शहंशाह मनुज बवेजा जाते हुए जो दो ढाई घंटे के अंदर मतलब है ना जो बोलते हैं ये गडकरी जी ने बोला था कि ढाई घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे मजा आ जाएगा यार। अब मैं तेरे को ना अपनी थाईलैंड वाली बीवी से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे को जो मेरी सगी बीवी है ना वो ज्यादा प्यारी है थाईलैंड वाली बीवी से। सगी क्या होता है तू has come लखन पाल का बर्थडे has come भाई लखन पाल मतलब मैं ही हूँ मेरा बर्थडे आने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ has come has आयो 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 लखन पाल का बर्थडे आयो। गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल जय श्री राम सलाम वालेकुम एंड प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप कैसे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा बस यार थोड़ा सा वो है कि मुझे आदि क्लास जाना था इस बात का दुख है मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। मैंने बताया था आप लोगों को मेरा कुछ चल रहा है वो बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपको पता है लेकिन मेरी चार छुट्टी थी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। भाई साहब थर्सडे आज है आज से मेरी चार छुट्टी है बट मेरे को एक छोटा सा काम देहरादून में था तो हमने सोचा एक छोटा सा फैमिली ट्रिप कर लेते हैं। आज हम मसूरी चलते हैं दो दिन मतलब आज और कल मसूरी रहेंगे और कल रात को या परसों हम देहरादून पहुंच जाएंगे। तो आओ आपको ये वाला ट्रिप दिखाते हैं छोटा सा फैमिली ट्रिप है क्यूट सा ट्रिप है प्यारा सा ट्रिप है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। पर पहले मैं आज का जिम कर लेता हूँ क्योंकि फिर तीन दिन जो है ब्रेक रहेगा हो सकता है कि मैं देहरादून एक दिन चला जाऊँ नहीं जाऊँगा भाई क्योंकि बीच में शनिवार रात ही आ रहा है नहीं जा पाऊंगा तो चलो चलते हैं। बट अपना इंटरनेशनल ट्रिप पक्का आ रहा है भाई उसको मैं कंफर्म करता हूँ बहुत जल्दी। आप माँ कसम इस गर्मी में ना छोड़ के ना दूर भाग जाना चाहता हूँ यार। देखो पसीना देखो यार बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है भाई बहुत बुरा हाल है छोड़ देना चाहता हूँ इस गर्मी को और इसीलिए मैं जा रहा हूँ मसूरी। भाई कसम से ना यार जितने भी दिल्ली वाले हैं ना भाई निकल जाओ यार मतलब इतनी गर्मी ना शायद मैंने लास्ट तीन चार साल में तो नहीं देखी। दिस टाइम इट इज़ टू मच और एवरी डे आपको लास्ट डे से ज़्यादा ही दिखती है गर्मी यार बहुत गर्मी है यार। मतलब देखो एसी में बैठा हूँ और एसी में बैठे हुए 10-15 मिनट हो गए लेकिन टांट पूरी चमक रही भाई पसीने से फुल गर्मी। इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ गर्मी को यहीं दिल्ली में मैं जा रहा हूँ मसूरी ठंड के पास ठंड है। तो भाई अपन जा रहे हैं आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है टोल आने वाला है मेरठ वाला यार। तो आपस में क्या है हम बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे थे इसलिए हमें पता नहीं चला तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो आपको ना यार आज में ना थोड़ा सा ना जो लास्ट टाइम अगर आपने एक साल पहले मेरी वीडियो देखी हो मैं देहरादून गया था तो अभी मसूरी जा रहे हैं तो वाया देहरादून ही जाएंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट दूंगा आपको देहरादून का क्योंकि हम बीच बीच में ना दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसको भी बीच बीच में टच करेंगे क्योंकि वैसे तो यार वो जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली से शामली होकर निकलता है फिर सहारनपुर निकलता है बट हमारे बीच में भी कहीं पे रास्ते में आएगा थोड़ा सा तो उसको भी मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है उसको। बाकी यार अभी ना मैंने परमिशन लिया अभी कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए थाईलैंड और कंबोडिया और मैंने लेकिन मेरी बीवी ने मेरे से एक वादा लिया बोला सच सच बता दो कि प्यार किसको करते हो। मैंने साफ साफ बताया कि मैं तेरे को ना अपनी थाईलैंड वाली बीवी से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे को जो मेरी सगी बीवी है ना वो ज़्यादा प्यारी है थाईलैंड वाली बीवी से। सगी क्या होता है तू है ना भाई वो मेरी कज़न बीवी है तो इसलिए इस कज़न भी तो इस क्या कहते हैं उस पर उसने मेरे को इजाज़त दे दी है कि आप चले जाओ फिर ठीक है यार क्योंकि देखो यार पूरा साल भर इनके साथ रहता हूँ यार छुट्टियों का टाइम है वहाँ सुशी को भी छुट्टियाँ हो गई है जो दूसरी जो वाइफ की जो वहाँ बेटी है ना उसका नाम सुशी है तो यार वहाँ से मिल आता हूँ थोड़ा सा याद आ रही है उनकी यार थोड़ा सा घूम आता हूँ थोड़ा सा ना यार तो ये प्लान बना भी यार तो अभी भी जस्ट मुझे परमिशन मिली है तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार इसी हम यही वाली सारी बातें कर रहे थे। तो आओ लेके चलते हैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे और उसके आगे जाएंगे मसूरी मजा आने वाला है यार क्योंकि गर्मी बहुत है भाई साहब ठंड का मजा लेंगे बढ़िया वाली। भाई देखो जो ऊपर दिख रहा है आपको ये बताओ क्या है ये है RRTS रैपिड रेल जो है ना दिल्ली मेरठ की भाई साहब पूरी कंप्लीट हो गई यार। तो यार मैं पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि आया बड़े दिनों बाद हूँ तो इसलिए भाई दिख रहा है पूरा कंप्लीट हो गया है अभी बढ़िया यार मेरा भारत बदले जा रहा है। और भाई आपको ना एक और वो दूँ खबर कि आपको पता है मेरे घर में मेरा एक सब्सक्राइबर कम है मेरी बीवी तो देखती है मेरी बेटी मेरे ब्लॉग्स नहीं देखती कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब मेरे ब्लॉग्स देखने में #मिशिका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इसको #मिशिका को मेरे ब्लॉग्स देखने में। चलो आप ही यार एक आधा व्यू और बढ़ा देना यार
घर में कमी हो रही है ना भाई, तो आप देख लेना इस चीज। भाई देखो छुट्टियां उट्टियां शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की ना टोल पे भीड़ है। मेरा टोल क्रॉस कर रहे हैं, पहला टोल आया अभी है, नहीं पहला नहीं दूसरा टोल आया। एक तो मेरठ एक्सप्रेस वे पे था जो दिल्ली से था, अब मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में जो टोल आता है ये वो वाला टोल है भाई। मैंने कहा आपको मैं अपडेट देता हूँ एक मिनट की। यार देखो प्रैक्टिकली अभी ना, अभी तो दिल्ली से देहरादून अगर आपको जाना है ना तो अभी तो वही पुरानी रोड है, लेकिन ये रोड भी बहुत अच्छी रोड है, एकदम ओके एक्सप्रेस वे है। जो आज से लगा लो कि 5 साल पहले ये मोदी नगर मेरठ में जो फंसते थे वो सब खत्म हो गया है, बट एज सून एज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पूरा बन जाएगा ना, उस दिन आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे यार, 2.5 घंटे में कमाल हो जाएगा। अभी उसका पैच एक आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ जिस पैच को हम कवर करेंगे, वो थोड़ा सा ही दूर है। पहला शायद पैकेज मैं आई एम नॉट श्योर जून में शायद 31 किलोमीटर का उसका खुल रहा है, जस्ट ट्रायल रन चल रहा है, तो काफी तेजी से काम हो रहा है इस एक्सप्रेस वे पे। हम तो पार्ट कवर करेंगे ना यार, वो जंगलों वाला पार्ट कवर करेंगे, सहारनपुर के बाद जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर के बाद जब देहरादून की तरफ जाते हैं तो वो वाला जो पार्ट है ना, जो खासकर जो जंगल पेड़ काट के मतलब वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, मैं उसका आपको अपडेट देता हूँ। हल्की हल्की सवारी को जो है भूख लग गई है, खैर लंच का टाइम भी हो गया है, ब्रेकफास्ट हमने बहुत टाइमली 9 बजे 9:15 बजे कर लिया था और अब पूरे जो है 2 बजने में बस 25 मिनट बाकी है, और जब तक मुंह में चबाना शुरू करेंगे तब तक 15-20 मिनट और लग जाएंगे भाई, तो कहीं रुक जाते हैं। लो भाई अपन आ गए हैं निवेद्यम। भाई हम वहाँ रुक रहे थे पीछे पहले, लेकिन बीवी ने बोला कि मैं साउथ इंडियन ही खाऊंगी और निवेद्यम में ही खाऊंगी, मैं चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पे बढ़िया साउथ इंडियन का जो है मजा लेते हैं। वही डोसा खाएगा, डोसा रसम अपने पास आया है वेलकम ड्रिंक में, रसम चेयर्स चेयर्स और रसम भाई, गरम गरम होता है ये, ठंडा नहीं है ये। मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं कर्नाटक से फास्ट सर्विस हाइजीनिक फूड इल्ला पो ये व्हाट क्लीन, मैं क्लीन नहीं करेगा ना, मैं तो घर जाके करता है ना क्लीन, तो वो बोलता है कि इसको क्लीन कर दो, ये काम तो मैं घर में करता है ना, मैं यहाँ होटल में थोड़ी करेगा क्लीन, अरे क्लीन कर दो इसको क्लीन, मैं पैसा दे रहा ना, मैं कर्नाटक से यार, मतलब मुझे पागल थोड़ी बनाएगा। नहीं थैंक यू वेरी मच शेफ, गुड वेरी गुड शेफ, फूड वेरी वेरी टेस्टी, आई लाइक इट, गुड शेफ टू मी, यू आर नाइस मैन, नो टी ना ओनली विस्की, यू डोंट लाइक मैन। लो भाई आते आते मुजफ्फरनगर हरिद्वार रोड जो है हमने छोड़ दी है और हम टुवर्ड्स देहरादून की वाली रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि अपने को मसूरी जाना है, वैसे रास्ता वो भी जाता है पर वो लंबा पड़ जाएगा, तो अपन जो है एकदम इस रास्ते जाएंगे और सहारनपुर से जो है हम और राजा जी नेशनल पार्क की तरफ हो जाएंगे, जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के आपको थोड़े से दर्शन कराएंगे। जब यार मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की तरफ जाओ ना, यही इकलौता टोल है जो ससरा कैश लेता है, फास्टैग नहीं चलाता है। भाई हमारी मोहतरमा ने एक काम और बड़ा अच्छा किया था, हमारे घर में यार दही खूब दबा के पड़ा हुआ था, मतलब काफ़ी सारा था दही, तो भाई हम तो रास्ते के लिए बिना पानी नहीं लेके आया भाई, छाछ लेके आया, छाछ पिए बढ़िया, और छाछ इस मौसम में ज़बरदस्त है भाई, एकदम बढ़िया डिटॉक्सिफाई आपको करती है आपके अंदर सॉल्ट, क्योंकि इस छाछ में सॉल्ट होता है तो बहुत ज़रूरी है सॉल्ट भी इस टाइम पे आपके लिए, तो मस्त है। भाई बीवी ने थाईलैंड जाने के लिए बोल दिया, ओके जा जी ले अपनी जिंदगी, जा टकले जा, और टकला भागा भागा भाई साहब एयरपोर्ट की तरफ। मैं कहा यार जरा तभी ना घुमा के ले आऊँ, मसूरी मसूरी घुमा के ले आऊँ, ताकि फिर मैं निकलूँ कंबोडिया थाईलैंड। लो जी आ गए जी टूटी फूटी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे जी। नहीं नहीं यार ये अभी हमने क्या है राइट टर्न ले लिया है टुवर्ड्स देहरादून और मसूरी रोड पे, तो अभी इस रोड पे ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको हाल दिखाते हैं क्या है इस रोड का, क्योंकि यही वो रोड है
जो जंगल काट के बनाई गई है, जहाँ पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी हुआ है यार, बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, तो एक बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। लो जी ये देखो भाई, ये साइड में ना अभी भी ये रोड बन रही है, पर काम चल रहा है। बट यार लास्ट टाइम भी मेरे को यार, क्योंकि आए हुए एक साल हो गया, उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, या तो हाँ आप थोड़े पिलर्स विलर्स नजर आ रहे हैं, देखो ये फ्लाईओवर का ये स्लैब डल गया है एक, तो हाँ काम तो चल रहा है यार तेजी से। ये देखो यार, ये ना बिल्कुल मस्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जगह जगह हमें डाइवर्शन मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। भाई भगवान करे 2025 में ना यार ये स्टार्ट हो जाए, और कसम से वो जो 2.5 घंटे के अंदर, मतलब है ना जो बोलते हैं, ये गडकरी जी ने बोला था कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे, मज़ा आ जाएगा यार, फील गुड फैक्टर आ जाएगा। मतलब 2.5 घंटे में अगर देहरादून, तो 3 घंटे में आप मसूरी। ओह बेटे यार, कहीं कहीं जगह तो ना बाई गॉड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी काम हुआ ही नहीं, अभी काम बहुत सारा बचा हुआ है। ये देखो भाई, अभी तो यहाँ सिर्फ पिलर रखे गए हैं, पिलर मतलब रखे हैं, इसके ऊपर वो स्लैब्स आएंगे, उसके बाद यार पता नहीं कितना काम बचा हुआ है यहाँ पे कई एरियाज में। तो देखो भाई, ये जो रास्ता है, ये जिस पे हम जा रहे हैं, पुराना रास्ता जो नॉर्मल मोहन धो के जाता है, मतलब मोहन धो के तो भी जाता है, पर ये एलिवेटेड रोड है पूरी जो साइड में है, ये सारी एलिवेटेड रोड है ऊपर जो बन रही है, और काम चल रहा है भाई तेजी से, काम चल रहा है। ये सीधी रोड ये जो है एलिवेटेड रोड है पूरी की पूरी जंगल के ऊपर, मस्त भाई मस्त। भाई देखो पीछे दिख रहा है एक वो सासक एलिवेटेड फ्लाईओवर चल रहा है, ये वही है भाई जंगल के पीछे, जबरदस्त। उत्तराखंड में सही तरीके से एक्चुअली तरीके से देहरादून में एंटर कर चुके हैं, तो स्वागत है। मैं स्वागत अपना खुद ही कर लेता हूँ भाई, कोई खड़ा तो होता नहीं अपने हार वार लेके, तो मैं खुद ही अपना स्वागत कर लेता हूँ। देहरादून के जस्ट एंट्री कर ली है हमने, अब यहाँ से जो है मसूरी का रास्ता जो हमारा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मात्र 45 किलोमीटर और 1.25 घंटे। ठीक है यार, पहुंच जाएंगे 6 बजे तक, 6:15। लो भाई हल्के हल्के जो पहाड़ है ना, मतलब वो अच्छा अच्छा सा रास्ता आना शुरू हो गया भाई, बहुत अच्छा लगता है यार। मैं जैसे ही पहाड़ों की तरफ अग्रसर होता हूँ ना, मतलब जैसे जैसे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं ना, और ये वाला थोड़ा ऊंचाई वाला रास्ता शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है यार। मात्र 23 किलोमीटर और अपन पहुंच जाएंगे मसूरी, वहां पे करेंगे आराम से रिलैक्स ऐसे दिल्ली डाल के, और तीनों दिन चलेगा शनिवार राती। ओ बेटे आसी खास की जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपा इको पर्यटक, इको फ्रेंडली, इको पर्यटक मतलब इको विजिटर, शुल्क देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। भाई इको रसीद है ये 60 रुपए की, इसका होता क्या ये नहीं पता, पर ठीक है भाई कटवानी पड़ती है। अब बस जो ये शिमला मसूरी बस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब इतनी गाड़ियां हो गई ना, इसलिए हम ससरा नहीं आते हैं, मन नहीं करता है आने का, यहाँ पे लग गए जाम। भाई होटल तो नहीं पहुंच सके क्योंकि मॉल रोड 5 बजे के बाद एंट्री गाड़ी की बंद हो जाती है, तो हम एक पार्किंग में आए हैं, यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। कोहली भाई साहब पार्किंग में बाहर ही खड़ा हुआ था, वेट ही कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे फंस रहे हैं, दूसरी जगह गाड़ी लेकर आए, यहाँ पार्क हुई गाड़ी, फिर हम जो है वॉक करके हुए अपने होटल की तरफ जाएंगे। भाई यही है वादे के मुताबिक का प्लान। भाई गाड़ी खड़ी हो गई यहाँ पे पार्किंग में, पार्किंग भाई मस्त है लेकिन एकदम कवर्ड पार्किंग है, और टेंशन वाली बात नहीं है, और सामान अपना वो पहुंच गया भाई। भाई एकदम जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई, और यहाँ कम से कम यार दिल्ली की चिलचिलाती जो गर्मी है ना उसको छोड़ के आ गए भैया हम आपके पास। बिल्कुल सही बात है यार, थोड़ी सी बिल्कुल भैया जी जल्दी में थोड़े से, अरे बोल बोल बोल, अरे 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 बम फटेगा।
लो भाई द फेमस बसूड़ी वाली मॉल रोड। बसूड़ी वाली देखो गाड़ी फंस गई भाई, गाड़ी का ना टायर मुड़ रहा है ना भाई जी, आप ना गलत जा रहे हो भाई जी, मुझे ना उड़ा देना भाई साहब। यही रीजन है कि होटलों के रेट जो बढ़ रहे हैं, यही रीजन है। देखो यहाँ पे लोग कितने हैं, लोगियां कितनी हैं। अच्छा भी लग रहा है लेकिन मौसम भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है। एक्चुअली सारे दिल्ली वाले हैं बेचारा, गर्मी दिल्ली की जो गर्मी थी उसको छोड़ के यहाँ पे आया हमारी तरह ही। तुम पहले पैसे दो मुझे, तुमने मेरा सामान लिया है ना उसके बदले पैसे दो। आयो 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 लखनपाल का है? थक गए हो? शाबाश, रेस्ट कर लो, शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुम वो मुझे पैसे दे दो, लेकिन कितने पैसे हुए? 140 की बात हुई थी। अरे लखनपाल मौज लो, ठीक है चाय पानी ज्यादा पी लेना है, ठीक है चलो मौज लो। 140 रुपए बनते थे, मैंने 200 दे दिए, दे ले ठीक है बाय। लो भाई अपनी गाड़ी जो है अपने को लेने आ गई है कसमंदा पैलेस। अब देखते हैं कसमंदा पैलेस कैसा है। वेलकम हेरिटेज होटल है ये, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट हियर। यही हूँ देखो भाई, बिल्कुल नई वैगनार है ये मधुपति। चलो साहब कितना दूर है यहाँ से? लो भाई यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है और ये जो है मसूरी का बहुत बढ़िया व्यू दिखेगा यहाँ से। मॉल रोड के जस्ट ऊपर है ये होटल रिजॉर्ट जो भी है। टर्न राइट, यहाँ से हम जो है एंट्री कर रहे हैं फाइनली कसमंदा पैलेस में। एकदम ऐसा लग रहा है महल के अंदर से जो है सहनशाह मनुज बवेजा जाते हुए। थोड़ा सा आपको रूम भी दिखा दें यार कि रूम कैसा है। देखो भाई ये हम एंटर कर गए, ओ 001 ये हम एंटर कर गए भाई। देखो ये बढ़िया इन्होंने लैंप है, ओह माय गॉड यार स्टाइल, देखो बिल्कुल बढ़िया वुडन। देखो यहाँ पे रूम जो है थोड़ा खुला है, यहाँ पे मैंने अभी बैग रख दिया है, यहाँ पे मैंने एक और बैग रख दिया है, वहाँ पे दो इन्होंने सोफा से दे दिए हैं। ये इनका जो है वॉशरूम है। ओ भिड़े गंजे, आज करेंगे मौज मस्ती, शनिवार रात ही आज ही बना देंगे मधुपति। तो यहाँ पे जो है सावर 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 ले सकते हैं। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, फिर उसका थोड़ा लॉन में बैठेंगे और वहाँ पे आज रंगारंग करेंगे भाई। भाई बढ़िया लग रहा है जगह तो, बहुत ही बेहतरीन लग रही जगह। इंग्लिश टी गार्डन, ओ भाई इंग्लिश टी मिला यहाँ पे, ओ वाओ यार यार लॉन देखो क्या मस्त है। अरे आगे देखो आगे, ओ वाओ दिस इज अमेजिंग यार। कहाँ दिख रहा है मून? अमेजिंग भाई, भाई फील है, भाई फील है भाई। देखो यार चांद भाई साहब, आज पहली बार ये वाला चांद मेरे चांद से अच्छा लग रहा है। क्या बात है, अमेजिंग। ओ यार वाओ भाई, ओ देखो ऊपर चांद, क्या पूरा भाई साहब दिख रहा है, हाइट पे है बिल्कुल। ये नीचे मॉल रोड है, वीडियो जस्टिस नहीं कर पा रही है कैमरा ना, जस्टिस नहीं कर पा रहा जो मैं अपनी नेकेड आई के साथ देख रहा हूँ ना, नंगी आंखों के साथ जो मैं देख पा रहा हूँ ना भाई साहब, क्या हवा चल रही है। तो भाई अपन तो आ गए मस्त और यहाँ पे ठंड भी हल्की 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 बढ़िया दिल्ली वालों। भाई पूरी गर्मी पड़ रही है, इनो मेरी सहानुभूति है, ठीक है यार अपने को भी लौट के वहीं जाना है, लेकिन जब तक यहाँ तब तक तो यहाँ की फीलिंग लेना भाई, यहाँ बढ़िया बैठेंगे। हर भाई माता रानी की कृपा से मैं मतलब लास्ट वीकेंड छोड़ के लगातार पहाड़ों पे चल रहा है, उससे पहले बिनसर था, फिर उसके बाद कसौल गया, अब मसूरी आ गया है। मजा आ रहा भाई, अब तो अपन फैमिली ट्रिप बना रहे हैं। और वो देखो भाई चांद तुम्हें दिख रहा, मस्त जगह है यार, एकदम बढ़िया बालकनी में यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे जो है बढ़िया वाला रंगारंग करेंगे। अच्छा मौज आ रही पूरी पूरी यार। चीयर्स टू एवरीवन, हैव गुड टाइम। हमने साथ साथ डिनर भी ऑर्डर कर दिया है क्योंकि बेटी को भूख लगी थी। और बढ़िया भाई साहब, बटर चिकन और लच्छा पराठा, आपको भी सेम है? ओ वाओ, तो भाई यही चल रहा है, मौज आ रही है पूरी, हैविंग वेरी गुड फैमिली टाइम। यार देखो फैमिली टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है यार, ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि फैमिली टाइम रहेगा तभी आप वो सिंगल टाइम भी इंजॉय कर पाओगे और जा पाओगे। भाई देखो भाई साहब मसूरी के बदले में अपने को कंबोडिया थाईलैंड मिल गया, और क्या चाहिए अपने जिंदगी में, और क्या चाहिए अपने को यार, मैं तो इसी में खुश हूँ बहुत। Next
भाई लखनपाल का बर्थडे है, मतलब बवैजा का बर्थडे है, मनोज बवैजा का बर्थडे है। Has come. मनोज बवैजा बर्थडे has come, is coming, sorry. कुकुड़ी जीता ना मोहब्बत गुम है थाईलैंड विच कंबोडिया विच मैं ढूंढन जाऊंगा ओ सॉरी वेरी सॉरी मैं गुड नाइट बोलना भूल गया था। गुड नाइट बाय बाय सी यू ऑल अभी मिलेंगे 3 दिन अभी मौज मस्ती बाहर चलता रहेगा बाय बाय।